हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक का नाम है अक्षांश व देशांतर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा देशांतर कहलाती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अक्षांश को पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक जगह की कोणीय दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्रुव पृथ्वी की सतह के दोनों ओर एक बिंदु है जहाँ देशांतर की रेखाएँ मिलती हैं। पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश से दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 23/1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है। डिटेल में समझते हैं तो क्या होती है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित भूमध्य रेखा के समांतर रेखा है, जो कि 23:30 पर है। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक रेखा है जो कि काल्पनिक है। इसके साथ ही यह पृथ्वी के नक्शे पर खींची गई 5 अक्षांश रेखाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यह घटता है। डिटेल में समझते हैं तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान बढ़ता जाता है और ध्रुवों का अक्षांश मान 90 डिग्री है। सभी अक्षांश रेखाएँ परस्पर समानांतर और पूर्ण बृहत होती हैं। ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जो ऑप्शन नंबर बी से जगह भूमध्य रेखा से मापी जाती है। डिटेल में समझते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में समानांतर यानी पैरेलल चित्रित अक्षांश के हर एक डिग्री कोण के बीच की दूरी 60 नॉटिकल मील यानी कि 60 नॉटिकल मील का मतलब 111 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील 6080 फीट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा गोरे नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4 मिनट का। डिटेल में समझते हैं तो दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर 4 मिनट होता है। प्रमुख यमुनोत्तर के पूर्व में स्थित स्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित स्थानों से समय में आगे है, इसलिए ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे हैं, तो यह डिग्री या 1 डिग्री मध्यान्ह पर 12:04। और इसी तरह भारत में मानक यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा भूमध्य रेखा पर। डिटेल में समझते हैं, जब कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है तो अक्षांशी सीमा दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है। जब कोई स्थान भूमध्य रेखा के निकट होती है तो सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती है, इसलिए दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह भूमध्य रेखा से दूर जाता है, सूर्य की किरणें उस पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। डिटेल में समझते हैं तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान 25 उत्तरी अक्षांश दर्ज पर किया जाता है। ध्रुवों पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 111 किलोमीटर। डिटेल में समझते हो तो अक्षांश रेखाओं की तरह ही एक डिग्री देशांतर रेखा की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विषुवत रेखा पर। डिटेल में समझते हैं तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 179। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 दक्षिण में प्लस 89 उत्तर में प्लस 1 भूमध्य रेखा, कुल मिलाकर 179 अक्षांश है। देशांतरों की कुल संख्या कितना है, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 360 है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 अंश देशांतर प्रमुख यम उत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों की ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएँ क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अक्षांश रेखाएँ कहलाती हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश एक कोण है जो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से लेकर ध्रुवों पर 90 डिग्री तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्रीनविच से। प्रधान मध्यान रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है जो 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी पर 0 अंश देशांतर पर खींची गई मध्यान रेखा प्रधान मध्यान रेखा प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी का फुल फॉर्म है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 15 डिग्री। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री चलती है। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 90 अंश। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री तथा 90 डिग्री दक्षिण होता है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। इस प्रकार विषुवत वृत्त के सभी बिंदुओं का अक्षांश 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कोलंबिया केन्या तथा इंडोनेशिया से। डिटेल में समझते हैं, भूमध्य रेखा 13 देशों 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इन देशों के माध्यम से गुजरती है, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील साओ टोम और प्रिंसिपे गैबान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव इंडोनेशिया और किरीबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरी दूरी एक घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 30 डिग्री के। डिटेल में समझते हैं तो देशांतर को आमतौर पर डिग्रियों मिनटों और सेकंडों में मापा जाता है और प्रत्येक 1 मिनट के देशांतरी अंतर के लिए 4 सेकंड का समय अंतर होता है।
देशांतर के 15 मिनट 1 मिनट का अंतर, देशांतर के 1 मिनट 4 सेकंड का अंतर, एक डिग्री देशांतर 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नेपाल से नहीं गुजरती है। डिटेल में समझते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अंटार्कटिका पर। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत रहता है, इसे बसंत संपात कहते हैं। सूर्य को विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध और मेष राशि में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मैक्सिको देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। तो डिटेल में समझते हैं। भौगोलिक ग्रिड मानचित्रों और ग्लोब पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। भौगोलिक ग्रिड का उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने और उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, अमेरिका और कनाडा। 49 अक्षांश उत्तर पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर में 49 अक्षांश पर स्थित अक्षांश वृत्त है। यह काल्पनिक रेखा प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर और उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के भूमि क्षेत्रों में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर। डिटेल में समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री या उत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रधान मध्यान रेखा। प्रधान मध्यान रेखा से ही समय का निर्धारण होता है। यह लंदन के ग्रीनविच स्थान से लिया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 180 अंश देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 180 पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 अंश मध्यान काल्पनिक रेखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। डिटेल में समझते हैं। 1884 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और पृथ्वी पर लगभग 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करती है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच प्रधान मध्यान रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से दुनिया भर में आधे रास्ते पर स्थित है। निष्कर्षण देखते हैं तो पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 घंटा का, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा का। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो स्थानों के बीच समय में 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 35 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यूके में। निष्कर्षण है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4 मिनट। डिटेल में समझते हैं, दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर 4 मिनट होता है। प्रमुख या मित्र के पूर्व में स्थित स्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित स्थानों से समय में आगे है, इसलिए अगर ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे हैं तो यह 1 डिग्री मध्यान्ह पर 12:04 होगा। और इसी तरह भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। निष्कर्षण देखते हैं, जब ग्रीनविच में मध्यान्ह है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा समय है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व। निष्कर्षण देखते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एलुशियन द्वीप समूह। निष्कर्षण देखते हैं, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5:30 घंटा शाम। यह समय ग्रीनविच मेन टाइम यानी GMT से 5:30 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत का समय होगा 5:30 बजे शाम। निष्कर्षण देखते हैं, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। निष्कर्षण है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 82/2 ईस्ट से। डिटेल में समझते हैं तो भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के आधार पर की जाती है, जो लगभग इसी देशांतर संदर्भ रेखा पर स्थित है। IST देशांतर 82.5 पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। निष्कर्षण देखते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इलाहाबाद से। निष्कर्षण देखते हैं, ग्रीनविच मध्यान्ह GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5:30 का अंतर है। तो दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव का अच्छा आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।